और एक सफर में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं अ प्लेस कॉल्ड निघोज, ऐसे जगह जिसका पौराणिक महत्व है, ऐसे जगह जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उल्लेखित है, और ऐसे जगह जो मानो के ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ मदर नेचर है। तो आइए सफर शुरू करते हैं। दिस प्लेस इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, बिल्कुल पुणे और अहमदनगर जिलों के सीमा पर। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ गॉडेस मणगंगा। और सामने जो दिख रहा है वो भी मंदिर है देवी मणगंगा का। हम अभी जहाँ है वो है पुणे जिला, जगह का नाम है टाकड़ी हाजी, और ये है अहमदनगर जिले में स्थित मणगंगा देवी का मंदिर। इन दोनों मंदिरों के बीच से बहती है कुकड़ी नदी, और दोनों मंदिरों को जोड़ता है ये हैंगिंग ब्रिज, जिसे मराठी में कहते हैं झूलता पुल। आइए प्रवेश करते हैं पहले मंदिर में। इस मंदिर का पौराणिक महत्व जान लेते हैं। धूमरक्ष नाम का दैत्य देवताओं को, साधु संतों को बहुत परेशान कर रहा था। सारे देवताओं ने शंकर जी के पास मदद की गुहार लगाई। शंकर जी अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा कि इस राक्षस का वध केवल देवी के हाथ से ही हो सकता है। सो उन्होंने पार्वती माता को विनंती की, लेकिन पार्वती माता ने किसी कारणवश मना कर दिया। तो शंकर जी ने अपनी जटा में बसी माता गंगा को आवाहन किया। माता गंगा ने उनका मान रखते हुए मणगंगा का अवतार लिया, और साथ में सात बहनें जिनको कुंडमाउली कहा जाता है उन्हें लेके धरती पर अवतरित हुई। धूमरक्ष, उसकी सेना और मणगंगा, कुंडमाउली, इनमें युद्ध हुआ। अंततः राक्षस का वध हुआ, माता की जीत हुई। मणगंगा और सात बहनें वापस जा रही थी, पर वो विश्रांति के लिए इस जगह पर रुक गई। माता को यह जगह काफ़ी पसंद आई और उन्होंने यही रुकने का निश्चय किया। 33 कोटि भगवानों ने कहा कि माते, आपके लिए हम यही अवतरित होंगे वनस्पतियों के रूप में और आपकी सेवा करेंगे। इस तरह से माता का यहाँ पे निवास हुआ। आज भी माना जाता है कि सच्चे दिल से मांगो तो मणगंगा माता सारी इच्छाएं पूरी करती है, आपके दुखों का निवारण करती है। हमें देवीला देना रो तो हमें हिला दे तो खाओ गया। असलो मस्त वाटत है, लिटरली पूल हलतो है। नाउ वी जस्ट स्टेप्ड इनटू अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाया अ स्मॉल हैंगिंग ब्रिज। अमेजिंग इजंट इट, दिस इज अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। नाउ व्हाई देयर आर टू टेंपल्स ऑफ द सेम गॉडेस एट द सेम प्लेस, आई कुड नॉट फाइंड एनी सॉलिड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, बट नेवरदलेस इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक एक्सपीरियंस। कलर मस्त गेला, नुकताच गेला ना, ते खूप सुंदर। दिस प्लेस इज मेंशन्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर इट्स नेचुरल फेनोमेनन, but we'll get to that information in a bit. आता आपण आहोत अहमदनगर मध्ये, आणि ही अहमदनगर साइडची एंट्री आणि अहमदनगर साइडची पार्किंग। तो झुलता पूल होता तो पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांना जोडतो, जेणेकरून दोन्ही मंदिरांना जोडतो, इकडची मूर्ती आणि त्या बाजूची मूर्ती, खूप डिफरन्स आहे। एक आहे रामकुंड, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, शिवकुंड। बांधकाम चालू आहे का? या ना बघूया। बापरे, कसं तयार झालं आहे बघा। आता पाणी नाही याच्यामध्ये म्हणून, अरे पाण्यानेच हो, हे पाण्यानेच झालेलं आहे, खायचं काय ना।
सध्या तिकडे कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. हा पूल बांधलेला आहे, ह्याच्यावरून तुम्ही कुंडांचं दर्शन घेऊ शकता. मस्त. चला आता बघूया सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड काय आहे. बापरे, हे कसं आहे बघा. हो, हे तर खूप डीप आहे. वा, लेसचे पाकिट टाकले. कुकड़ी नदी के मार्ग में यह जो क्षेत्र आता है, वहां की भौगोलिक रचना ब्लैक बेसाल्ट रॉक यानी एक तरह के ज्वालामुखीय पत्थर से बनी है. नदी के प्रवाह के दबाव से या ताकत से छोटे छोटे पत्थर इन बेसाल्ट पत्थरों की दरारों में फंसते हैं और वहां दरारें चौड़ी करते हैं. कालांतर से यही छोटे पत्थर दरारें बड़ी होने पे उनमें नदी के प्रवाह के वजह से घूमते रहते हैं और बेसाल्ट पत्थर को आकार देते हैं. यह सालों दशकों की प्रक्रिया है जिसका यह स्वरूप आज हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे निसर्ग की अद्भुत विशेषता ही माना जा सकता है. इनको मराठी में रांजन खड़गे कहा जाता है, इंग्लिश में नेचुरल पॉटहोल्स. और आशिया खंड के सबसे बड़े नैसर्गिक यानी नेचुरल पॉटहोल्स के स्वरूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस जगह को मानांकित किया गया है. तो सध्या आम्ही उभे आहोत झुलत्या पुलाच्या इथे. ते मंदिर आहे ते पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे, हे मंदिर आहे ते नगर जिल्ह्यामध्ये आहे. सध्या पाणी कमी आहे त्यामुळे ॲटलिस्ट खळगे दिसत आहेत आम्हाला क्लिअरली, पण हां ते पाणी जे पावसाळ्यात खूप असतं आणि या खळग्यांमधलं वाहतं ते बघण्यासाठी पावसात किंवा मोस्टली ऑगस्ट सप्टेंबरमध्येच येणं गरजेचं आहे. पण हां ती पण एक वेगळी मजा आहे. पूल हलतो. आवाज बघा. Now we are heading towards Kunda. So basically we'll walk parallel to the Kunda. आता मी डी एस एल आरने शूट करतो आहे. डी एस एल आर स्टॅबिलायझेशन इज नॉट दॅट गुड. हे ॲक्च्युली दगड आहेत, ते असे गोल 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 फिरतात आणि पाण्यात अशा प्रकारचे आकार निर्माण करतात. आणि वर्षानुवर्षाची प्रोसेस आहे, म्हणजे असं नाही की म्हणजे एकाच पावसाच्या पावसाळ्यात झाले एका. बापरे, मस्त आहे ना एकदम. वेगळीच जागा आहे. काय गडचिरोली कोण आहे हा काय लिहिलं? गडचिरोली एक्स लव वाय. वा, काय खळगे आहेत जबरदस्त. ते लोक ह्याच्यात जाऊन वगैरे बसून फोटो काढतात सगळे. अ जर्नी आफ्टर ऑल नीदर बिगिन्स इन द इन्स्टंट वी सेट आउट नॉर एंड्स वेन वी हॅव रिच्ड अवर डोर स्टेप वन्स अगेन. इट स्टार्ट्स मच अर्लियर अँड इज रिअली नेवर ओवर. Because the film of memory continues running on inside of us long after we have come to a physical standstill. Indeed, there does exist something like a contagion of travel, and a disease is essentially incurable. A quote by Richard Kapuscinski.
There are a lot of places in India that have amazing single thread connection with mythology, nature, science and so on. You must have seen my video of ringing stones. That is one of such places. Sometimes I feel blessed that such places do exist and I do get a chance to visit those. And in turn, I try to bring those places to you via these videos. I just wish that I continue to do so. Hope we meet in the next video. Till then, stay safe, stay blessed. Thank you.